नमस्कार, आप देख रहे हैं जीवीएन 24। मैं हूं आपके साथ अपराजिता। चलिए नजर डालते हैं झारखंड की एक खबर पर। जमशेदपुर शहर में बुलेट रानी के नाम से मशहूर तमिलनाडु की राजलक्ष्मी मारा के द्वारा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के संकल्प के साथ मदुरई से नई दिल्ली तक के 21,000 किलोमीटर की यात्रा में निकली है। उसी क्रम में आज भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा सोनारी एयरपोर्ट पर सुश्री राजलक्ष्मी मांडा का भव्य स्वागत किया गया, जहां युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं के द्वारा नरेंद्र मोदी के मुखौटा लगाकर ढोल नागौर के साथ भव्य स्वागत किया गया। राजलक्ष्मी ने कहा कि 21,000 किलोमीटर की यात्रा पर निकली हूं, जिसमें 15 राज्य का भ्रमण कर रही हूं। यह मेरा संदेश है पूरे देशवासियों को कि एक मजबूत और सक्षम भारत के लिए नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री जरूर बनाए, और यह मेरा मानना है कि मोदी जी के नेतृत्व में विश्व पटेल की ओर अग्रेषित है कि तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते हैं तो विश्व में हमारा देश विश्व गुरु बनेगा। फॉर मोदी, इस नारा को लेते हुए 12 फरवरी को तमिलनाडु में मैं इस बुलेट यात्रा को शुरू की हूँ। तमिलनाडु से दिल्ली तक 21,000 किलोमीटर 65 दिन 15 राज्यों में भ्रमण कर रही हूँ, और मेरा जो ये संदेश है पूरा देशवासियों को, एक मजबूत और सक्षम भारत के लिए नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना बहुत जरूरी है। और ये मेरा मानना है कि मोदी जी का नेतृत्व में हमारा देश विश्व पटल के ओर मतलब अभी प्रयाण कर रही है, और मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे तो पूरा मतलब विश्व में हमारा देश विश्व गुरु बनेगा। और इसके लिए मैं इस मुद्दे को लेकर जा रही हूँ, और पूरा देशवासियों से मेरे बुलेट भ्रमण के दौरान 21,000 किलोमीटर मेरे जर्नी में निवेदन कर रही हूँ कि भारत को मजबूत बनाइए, तीसरी बार मोदी जी को लाइए। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसे झारखंड से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे जीवीएन 24।